जिसके द्वारा आत्मा का अस्तित्व जाना जाता है। काम नाम कर्म। स्वयं करता है, नाम कर्म जिसके क्या द्वारा है? पदार्थों को जाना जाता है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छा लिखा है इसका मतलब। कोमल जी ने भी लिखा है, राष्ट्रीय जी ने भी कहीं ना कहीं लिखा है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत सुंदर। ठीक है, तो आपको ध्यान होगा इंद्रिय किसे कहते हैं, वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो मैं पढ़ा के आ चुका हूँ वो हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। तो इंद्रिय के हाँ, दो भेद है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब वो दो भेद कौन कौन से हैं, द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय। द्रव्य इंद्रिय किसे बोलते हैं, द्रव्य का मतलब होता है जो आपको बाहर दिखाई दे रही है। जितने भी जो गाने लिखे जा रहे हैं हर भाषाओं में, इंग्लिश में, हिंदी में, आपकी क्या समुद्र सी गहरी आंखें हैं, है ना, और ये क्या जो भी जैसी आंखें हैं ना, अब ये आंखों की जो रचना आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, जो कि शरीर नाम कर्म के उदय से बनी है। तो शरीर नाम कर्म के उदय से और आंगोपांग नाम का, विशेषकर ये एक नाम कर्म का भेद है। आंगोपांग नाम, आंगोपांग माने अंग और उपांग, जिससे आपके शरीर के अंग और उपांग बनते हैं वह कहलाता है शरीर आंगोपांग नाम कर्म। ठीक है, तो बेसिकली नाम कर्म का एसोसिएशन है आपकी बॉडी से। आपकी बॉडी कैसी होगी, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका रंग क्या होगा, उसके फीचर्स क्या होंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, जो सब कुछ है, जैसे 24 घंटे देख करके आप परेशान हो रहे हैं, तो वो जो डिसाइड होता है वो होता है नाम कर्म से। आपकी आंख कैसी है, अब नाक चपटी है कि लंबी है कि चौड़ी है, जैसी भी है, वो जो रचना है वो है द्रव्य इंद्रिय। तो शरीर की जो रचना है, बाह्य रचना, आंखों की, कानों की, नाकों की, सर इंद्रियों की, वो क्या कहलाती है, वो कहलाता है द्रव्य इंद्रिय। भाव इंद्रिय क्या कहलाता है, भाव इंद्रिय का मतलब है उन इंद्रियों से होने वाला ज्ञान। तो आंख का जो स्ट्रक्चर है वह स्ट्रक्चर है द्रव्य इंद्रिय, और आंख से होने वाला जो ज्ञान है वो है भाव इंद्रिय। समझ में आया? कान का जो स्ट्रक्चर है ना, जब हमने 10th तक साइंस पढ़ी थी तो साइंस में ऐसे मॉडल बनवाए जाते थे कान का, वो पूरे ईयर ड्रम का स्ट्रक्चर बनाया जाता था। आप लोगों ने बनाया है किसी ने, या यस बनाया, सर, बना हुआ देखा होगा बच्चों यस का, है? सर, तो वो जो कान का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर है द्रव्य इंद्रिय, और कान से जो होने वाला ज्ञान है वो क्या है, भाव इंद्रिय। भावेंद्र तो द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय आपको समझ में आया? बाबा यस सर, मामा अब द्रव्य इंद्रिय के जो दो भेद बताए वो क्या मतलब है, निवृत्ति और उपकरण। सर क्लास कितनी देर चलेगी? और सर हाँ, 12 बजे तक। चलिए, तो निवृत्ति और उपकरण ये द्रव्य इंद्रिय हैं, ठीक है, और भाव इंद्रिय क्या है, लब्धि और उपयोग। मैं आप लोगों को एक चार्ट भेज रहा हूँ, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मिला आप लोगों को एक चार्ट मिला, ठीक यस सर,
एक और जो अभी हमने चर्चा की उसका भी मैं एक चार्ट भेज रहा हूँ, वो भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये सारे ये मैं इसलिए भेज रहा हूँ ताकि आपको वो पूरा कॉन्सेप्ट एक जगह ध्यान रहे। ये चार्ट बना करके दिया है लेकिन ये आपको बनाना आना चाहिए, मैंने आपके खुद के जो आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं ना उस नोट्स में वो चार्ट होना चाहिए, ठीक ओके है? वो सर, आपका बना हुआ होना चाहिए। और फिर एग्जाम में जब आप इन सब चार्ट्स को लिखेंगे, इन सब से बताएंगे, तो उसका फर्क पड़ेगा, ठीक है? तो आपको भी ध्यान रहेगा कि ये पूरा कॉन्सेप्ट एक साथ है, तो ऐसे ध्यान रहेगा कि अच्छा ये सारी चीजें हैं ये हमने ऐसे पढ़ी थी। चलिए तो इंद्रिय वाला चार्ट देखिए, उसमें हमने क्या क्या देखा है, द्रवेंद्र भावेंद्र द्रवेंद्रिय और भावेंद्रिय, ठीक है? इंद्र, तो द्रवेंद्रिय क्या है, द्रवेंद्रिय निवृत्ति और उपकरण है। अब भावेंद्रिय बस क्या है, लब्धि और उपयोग है, लब्धि उपयोग। ठीक है? तो इसको मैं शॉर्ट में ही समझा रहा हूँ क्योंकि इतना डिटेल में हम अभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये बहुत अच्छा है, इससे आपको सब समझ में आ जाएगा। निर्वृत्ति का मतलब क्या होता है, देखो द्रवेंद्रिय का मतलब है उसका स्ट्रक्चर, तो वास्तव में जो स्ट्रक्चर है वो है निर्वृत्ति, और जो उस निर्वृत्ति का उपकार करता है ना, वो है उपकरण। माने एक है मैन इंद्रिय का स्ट्रक्चर और जो उसके हेल्पफुल है, ठीक है? दो, एक है आपकी असली आंख और एक आंख को हेल्प करने वाली, ठीक है? तो हेल्प करने वाली ये जो पलक है ना, ये जो है ये सब क्या है, ये उसके उपकरण है, हमारी आंख की सेफ्टी के लिए है। तो निर्वृत्ति और उपकरण, इंद्रिय जो की जो रचना है वो निर्वृत्ति है, और जो निवृत्ति का उपकार करता है वो उपकरण है, ठीक है? उसके भी फिर अभ्यंतर और बहिरंग, और अभ्यंतर बहिरंग भेद है, उसको अभी इतना मत देखिए, कंफ्यूज हो गया आप। भावेंद्रिय जो है वो क्या है, अब भावेंद्रिय मतलब उस इंद्रिय से होने वाला ज्ञान, ठीक है? जैसे आंख क्या है, द्रवेंद्रिय, द्रवेंद्रिय में जो आंख का स्ट्रक्चर है वो है निवृत्ति, और जो स्ट्रक्चर का उपकार कर रहा है वो है उपकरण, ठीक है? अब जब आपको आंख से ज्ञान हो रहा है तो आंख से ज्ञान होते वक्त दो चीजें हैं, एक तो ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम, अगर उस कर्म का क्षयोपशम ना हो तो सामने रखी हुई चीज भी आपको ना दिखे। और कई बार होता है कि नहीं होता है अपने लाइफ में, कभी होती ना है कभी सर। होता है ना, सामने रखी हुई चीज नहीं दिखती है ना? तो वो जो क्या होता है कि भले ही वो सामने रखी हुई चीज हो है ना, वो क्या है, लेकिन आपको उस समय उस वस्तु को जानने का क्षयोपशम नहीं था, माने कर्म का आवरण था, इसलिए आपको वो वस्तु उस समय जानने में नहीं आई, ठीक है? और जब आपको उसका क्षयोपशम होता है तो वस्तु जानने में आती है, ठीक है? और जब वो वस्तु कर्म का जो क्षयोपशम है उसे बोलेंगे लब्धि, और उसके क्षयोपशम होने पर जो आपको ज्ञान हुआ जो कि वास्तव में आत्मा का परिणाम है, ठीक है? जो ज्ञान जो है वो आत्मा का काम है, वो जो कार्य है वो है उपयोग। तो आपको समझ में आया, इंद्रियां दो प्रकार की हैं, द्रवेंद्रिय और भावेंद्रिय, द्रवेंद्रिय के भावेंद्र दो भेद हैं निवृत्ति और उपकरण, भावेंद्रिय के दो क्या भेद हैं, दो प्रकार हैं या दो, इन दोनों को मिला के भावेंद्रिय बोलते हैं, वो है लब्धि और उपयोग। उपयोग ठीक है, ये चार्ट जो है वो अभी हमने यहाँ पर समझा, आई होप आप लोग को क्लियर हुआ हो। यस सर। अब देखिए अगली जो हमारी चर्चा है वो क्या है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, पांच इंद्रियां, पांच इंद्रिय के दो भेद, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय, इनका स्वरूप समझा, ठीक है? अब यहाँ पर हमने ये देखा था कि श्वेतांबर एडिशन में एक सूत्र है जिसमें ये बताया गया है कि उपयोग जो है वो इन इंद्रियों में प्रवृत्त होता है, माने हम जो अभी जान रहे हैं अपने उपयोग से वो इस इंद्रियों के विषयों के माध्यम से जान रहे हैं, हालांकि सारे ही ज्ञान इंद्रियों से नहीं होते हैं, ठीक है? सिर्फ मति ज्ञान ही और श्रुति ज्ञान जो है वो इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है।
लेकिन हमारा जो उपयोग है वो इन इंद्रियों के विषयों को ही जानता है, ऐसा कहा। तो अब इंद्रियां कौन कौन सी हैं? पांच भेद हैं, और वो पांच इंद्रियां हैं, और पांच इंद्रियों के कौन कौन से काम हैं, काम है मतलब वो क्या क्या करती हैं, उनका क्या विषय है, वो देखें यहाँ अगले सूत्र में बताया जा रहा है, दो सूत्रों में उसको अपन देखते हैं। देखिए नाइन इस दो सूत्र में, सूत्र बोलते हैं 19 नंबर का तो हम बोल चुके हैं, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि, ये है पांच इंद्रियां। अब इनके विषय क्या क्या हैं जो 20 नंबर में सूत्र में बताए हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्था, बोलिए सूत्र बोलिए दोनों। स्पर्शन रसन ग्राण चक्षु श्रोत्राणि और इनके विषय हैं स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दार्थ दर्था शब्दार्थ दर्था शब्दास तदर्था, शब्दास्त दर्था। हाँ नहीं फिर आप ता मत बोल, दो ता मत बोलिए, शब्दास तदर्था, शब्दास्त दर्था शब्दास तदर्था, शब्दास्त शब्दास बस, शब्दास शब्दास्त तदर्थ तदर्थ सॉरी दर्था शब्दास्त, शब्दास तदर्थ। शब्दास्त चलिए शब्दास्त सर हो सभी को जाएगा बोलने में आ प्रैक्टिस। रहा है? हाँ, हो हाँ जाएगा, सर आपको नहीं होगा तो किसे होगा, आपको निश्चित रूप से होगा। बोलिए सबको बोलने में आ रहा है शब्दा सूत्र? स्पेशम मर्था भी लिखा हुआ है चलेगा ऐसा भी बोल हाँ सकते हैं। वो भी अपन देखेंगे, दो दो थोड़े से अंतर हमें मिलता है, वो भी अपन देखेंगे, ओके अर्थ एक ही है दोनों के। मैंने आपको कहा कि दोनों एडिशंस जो हैं वो अलग अलग हैं, है ना, श्वेतांबर एडिशन और दिगंबर एडिशन, थोड़ा सा हमें इधर उधर हर सूत्र में देखने को मिलेगा, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तेषाम अर्थ, तेषाम अर्थ अलग अलग बोले तो तेषाम अर्थ, ठीक है, तो ये भी एक ही बात, तेषाम अर्था, तेषाम अर्था यहाँ पर भी वही कहना चाह रहे हैं, और शब्दास तदर्था, तेषाम तदर्थ, तेषाम माने उनका अर्था, वो एक ही बात है, तदर्था तेषाम अर्था। चलिए सूत्र बोलने में आ रहे हैं दोनों आप लोगों को। यस हाँ सर तो इसमें देखिए सूत्र का अर्थ समझते हैं, सबसे पहले पांच इंद्रियों के, तो इंद्रियां और उनके विषय दोनों में समझ लो, माने आंख तो है इंद्रिय, लेकिन आंख का काम क्या है ये अलग टॉपिक है। तो यहां बताया जा रहे हैं कि कौन कौन सी इंद्रियां हैं, इस सूत्र में बताया जा रहा है कि उनका क्या क्या काम है, ठीक है। सबसे पहले इंद्रियां कौन कौन सी हैं, स्पर्शन इंद्रिय है, रसना इंद्रिय है, घ्राण इंद्रिय है, चक्षु चक्षु इंद्रिय है, और श्रोत्र माने कर्ण चक्षु इंद्रिय है, ठीक है। पांच इंद्रिय चेक कर लीजिए सब लोग, है कि नहीं है, है सर ऐसी कौन सी जगह है जहां अपने शरीर में पांचों इंद्रियां हैं? अपना फेस सारी इंद्रियां देखो यहां घुसी पड़ी, इधर के इधर ही, यस इसी पे तो लट्टू होते हैं, यही तो अच्छा लगता है ना, यही तो देख करके पसंद करते हैं, चेहरा ये वो, स्पर्शन इंद्रिय भी है, देखो स्पर्शन इंद्रिय तो पूरे बॉडी में है, ठीक है, एक इंद्रिय है जिसका एक छत्र पूरे में राज्य है, वो है स्पर्शन इंद्रिय। रसना कहाँ है, ठीक है पता है आपको, ठीक है, स्मेल घ्राण कहाँ है, नोज, स्मेल बच्चों को सिखाते हो ना, नोज कहाँ है, आइस बताओ, हम आपसे पूछ रहे हैं है ना, घ्राण इंद्रिय किधर है, ये रही, चक्षु इंद्रिय कहाँ है, ये आंखें रही, कर्ण इंद्रिय कहाँ है, ये आईज रही, सब यही है हमारी पांचों इंद्रियां। अब ये इन यस हाँ इंद्रियों का काम क्या है,
स्पर्शन इंद्रिय का काम क्या है? स्पर्श का कर स्पर्श करना, स्पर्श ठीक है, वो स्पर्श संबंधी ही बता पाएगा। रसना इंद्रिय का काम क्या है? रस, टेस्ट ठीक है, टेस्ट टेस्ट करना, रस का पता लगाना। घ्राण इंद्रिय का काम क्या है? गुड गंध स्मेल का, कि का गंध के बारे में गंध बता सकते हैं कि खुशबू आ रही है कि बदबू आ रही है, सुगंध है कि दुर्गंध है, ठीक है। चक्षु क्या कर सकती है? सिर्फ वर्ण देखने को, से वर्ण ठीक है, देखने का काम, कि उसका वर्ण क्या है, वो देखने में कैसा है, ये काम सिर्फ चक्षु का है। चक्षु आपको ये नहीं बता सकता है कि वो खाने में कैसा है। खाने का काम तो रसना का है, ख्याल में आ रहा है, कोई सामने डिश हो देखने में बहुत अच्छी है, लेकिन जरूरी है कि वो टेस्ट में भी अच्छी हो, देख करके टेस्ट थोड़ा ना बता सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही देखने का काम है चक्षु का, टेस्ट का काम है रसना का, दोनों एक दूसरे का काम नहीं करती, सब अपना अपना काम करती। अपने बॉडी से ही हमें ये सीख ले लेना चाहिए, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, एक दूसरे का कोई काम नहीं कर रहा है। स्पर्शन इंद्रिय का काम सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय कर रही है। अगर आप स्पर्श से बोलो कि हमें बताओ ये कैसा है देखने में, ये कैसा है, तो वो नहीं करेगा। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये पांच इंद्रिय। चक्षु का काम वर्ण का, कर्ण का काम क्या है? शब्द का। तद अर्था, ये उनके अर्थ है, माने विषय है। किन के? अभी जो पांच इंद्रियां बताई, उन पांच इंद्रियों के यहाँ इस सूत्र में पांच विषय जो हैं वो बताए गए हैं, ठीक है। सूत्र का अर्थ सभी को समझ में आया? यस सर अगर आपको, आप लोगों के 5 मिनट और ले लूं तो ये सूत्र पूरा कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप लोग कहें तो, वरना कल से फिर से हाँ हमें सर शुरू से शुरू करना पड़ेगा। 5 मिनट ले लूं? यस सर देखिए, तो ये है पांच इंद्रियां, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ठीक है। ये पांच इंद्रियों का निर्देश जो है वो आचार्य ने कहा, और इन पांच इंद्रियां जो हैं, इन पांच इंद्रियों के विषय जो हैं वो यहाँ पर अगले वाले सूत्र में बताए कि स्पर्शन इंद्रिय का काम क्या है, कि वो स्पर्श करता है। तो स्पर्श कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का होता है, ठीक है। रसना का काम क्या है? रस का पता लगाना, चखना। तो रस कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। ग्राण का काम क्या है? गंध का। गंध कितने दो प्रकार की है? 2। चक्षु का काम है वर्ण का। वर्ण जो है वो 5 में डिवाइड किए हैं, बाकी जितने भी और वर्ण है वो सब उन्हीं 5ों से बनते हैं, ठीक है। कर्ण का काम क्या है? शब्द का पता लगाना है ना, और उन स्वरों को 7 रूप से भेद किए। सिर्फ दो शब्द बताए, तीन बताए ना, 25 बोल में तो जीव शब्द अजीव शब्द हाँ, और मिथ्या। अलग अलग जगहों पर अलग अलग दृष्टियों से हमें अलग अलग भेद देखने को मिलते हैं। चलिए, ठीक है, बस इतना ही हम लोगों को चर्चा करना था। तो ये पांच इंद्रियां, ठीक है, उनके दो भेद, द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय, फिर पांच इंद्रियां कौन कौन सी हैं और उनके क्या क्या विषय हैं, ये सारी चर्चा जो है वो आज हमने यहाँ पर इस सूत्र के माध्यम से की, ठीक है। आज हमने वैसे बाकी कक्षाओं की तुलना में ज्यादा पढ़ा है, आज हमारे ज्यादा सूत्र कवर हुए हैं, तो आप उन विषयों को एक बार अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी आगे के सूत्रों की चर्चा अपन कल करेंगे, ठीक है। आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ लीजिए, नहीं, चलिए, ठीक है। सभी को जय जिनेन्द्र। चलिए जय जिनेंद्र सर, जय बच्चे, जिनेंद्र ही है ना, हाँ जो 25 बोल में सीखा है, हाँ सुरभिगंध दुर्भिगंध, ये उसी वही है, प्रकार है, ठीक वही है, है। वही ओके है, ओके सर, थैंक ठीक यू सर। है।